धर्म पुराण द एसेंस ऑफ इंडिया अध्यात्म संस्कृति संस्कार जीवन का आधार। एक राजा जो पत्नी के विश्वासघात से बन गया महायोगी, उसकी रहस्यमय तप गुफा आज भी है चेतना से भरपूर। यहां से जाता है चार धाम का रास्ता। उज्जैन के इस महापुरुष की अद्भुत कहानी। कहते हैं कि प्रेम में धोखा खाने के बाद इंसान या तो देवता हो जाता है या टूटकर बिखर जाता है, वो क्रूर भी हो जाता है। उज्जैन के इतिहास प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि अपनी पत्नी के विश्वासघात से आहत होकर महायोगी बन गए और देवत्व को प्राप्त हुए। यहाँ 12 साल तपस्या किया राजा भर्तहरि ने, जिससे सिद्ध हुए। राजा थे, राजा से अपने आप को पहचानने के लिए तपस्या किया। अपने आप को पहचान गया तो लोगों का कल्याण किया। राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें उस पर बहुत विश्वास था। पत्नी के प्रति वो इतने आसक्त हो गए कि कर्तव्यों तक को भूल गए। उस समय नाथ पंथ के महान योगी गोरखनाथ उनके दरबार में आए। भर्तहरि के आदर सत्कार से गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर राजा को एक चमत्कारी फल दिया। गोरखनाथ ने कहा कि इसे खाकर तुम हमेशा युवा और सुंदर रहोगे। राजा ने फल लेकर विचार किया, वो सदा जवान और सुंदर रहकर क्या करेगा। वो अपनी तीसरी पत्नी पर बहुत आसक्त था। उसने सोचा कि अगर ये फल पिंगला खा ले तो वो सदा सुंदर और युवा बनी रहेगी। राजा ने पिंगला को वो फल दे दिया। रानी राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। राजा ने जब ये फल रानी को दिया तो उसने सोचा कि ये फल अगर कोतवाल खाएगा तो वो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकेगा। उसने फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था। उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने सोचा कि अगर वो जवान और खूबसूरत बनी रहेगी तो उसे वैश्यवृत्ति से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की ज्यादा जरूरत राजा को है, वो सदा युवा रहेंगे और लंबे समय तक प्रजा का पालन कर सकेंगे। ये सोचकर उसने फल राजा को दे दिया। राजा वो फल देखकर हतप्रभ रह गया। राजा के पूछने पर वैश्या ने उसे बताया कि फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तहरि ने कोतवाल को बुलवाकर पूछा तो उसने बताया कि उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तहरि को पूरा सच पता चला तब वो समझ गया कि रानी पिंगला ने उसके साथ धोखा किया है। भर्तहरि के मन में वैराग्य जाग उठा। वो राजपाठ अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में गए। राजा भर्तहरि गुफा है, प्राचीन स्थल है, आज से 2,500 वर्ष पुराना है। गुरु गोरखनाथ ने तपस्या किया था इस स्थान पर। यहाँ उज्जैन का राजा भर्तहरि जी था, विक्रमादित्य का बड़ा भाई है। राजपाट छोड़ करके गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लिया, इसी पर भी दूंगा। दीक्षा लेने के बाद यहाँ गुफा के अंदर बैठ के तपस्या किया, जहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। उज्जैन में राजा भर्तहरि की गुफा स्थित है। ये आज भी आध्यात्मिक चेतना से भरपूर है। ध्यान का थोड़ा सा भी अभ्यास करने वालों को वहां बहुत अच्छी अनुभूति होती है। विराट विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तहरि जब राजपाट छोड़कर उनको वैराग्य हुआ, भर्तहरि जी ने ध्यान साधना की और यही उनको सिद्धियां सारी प्राप्त हुई। इस गुफा में आज भी जो भी व्यक्ति जरा सा भी ध्यान पूर्ण होता है, जरा सा भी जिसके अंदर श्रद्धा है, वो बहुत अनूठे अनुभव होते हैं। भर्तहरि संस्कृत के बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना की थी। वैराग्य होने पर उन्होंने वैराग्य शतक भी लिखा। ये तीनों कृतियां संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। राजा भर्तहरि की गुफा उज्जैन सिटी से कुछ दूर
शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये गुफा नाथ संप्रदाय के साधुओं की साधना स्थली है। ये भर्तृहरि जी की गुफा है, यहाँ भर्तृहरि जी ने तपस्या करी थी, ये उनकी तपोस्थली है। ये यहीं रहते हैं, इसी संप्रदाय के हैं, इसी गुफा में रहते हैं। ये इष्ट हैं तो इष्टों के आगे नमन होता है। गुफा में जाते ही सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, लेकिन थोड़ी देर में स्थिति सामान्य हो जाती है। गुफा की ऊंचाई बहुत कम है, रोशनी भी कम है। गुफा में भर्तृहरि की प्रतिमा के सामने एक धुनि भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। राजा भर्तृहरि के साधना स्थल के सामने ही एक अन्य गुफा भी है। कहा जाता है कि इस गुफा से चारों धामों के लिए रास्ता जाता है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।